सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज की जो पल्सर है 250F जो लीक हुई है उसके हम बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। जितने भी रूमर्स और लीक्स वगैरह है वो आज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, बट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो गाइज फाइनली आपको पता रहेगा नहीं पता रहेगा, बट बजाज की तरफ से जो 250F है, मतलब जो 220 आपको पता रहेगी, 220F जो फेमस पल्सर अपनी, उसका जो एक प्रेडेसेसर आने वाला है या फिर नया सीक्वल आने वाला है आप बोल सकते हो 250F। तो काफ़ी लोगों को लगा यार ये 250 इंजन कहाँ से ला रही है, KTM वाला तो नहीं उठा रहे, बट नहीं गाइज, ये जो इंजन होने वाला है वो बजाज ने ही डेवलप किया है, उनके जो चाकन का जो प्लांट है और मेरे ख्याल से जो ये 220 का जो इंजन है उस पे ही बेस्ड होने वाला है। वो काफ़ी रिफाइंड वगैरह रहेगा जो शायद उस हिसाब से ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो लीक वगैरह में तो ये इंजन थोड़ा सा डिफरेंट ही दिख रहा है, और इसके अंदर जो नोटिसेबल जो चेंजेस होने वाले हैं वो मोस्टली तो ऑब्वियसली एक है कि आपको पूरी की पूरी फेयरिंग वगैरह और पूरा डिज़ाइन वगैरह कहीं ना कहीं आपको चेंज मिलेगा। और मेरे ख्याल से जो डिज़ाइन देखने को मिल रहा है वो ऑलमोस्ट जो RS है उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड या फिर आप कह सकते हो वैसा कुछ तो भी लग रहा है, बट स्टिल काफ़ी फ्रेश और काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। और इसकी जो और इस बाइक का जो नाम होने वाला है वो बजाज पल्सर 250F है। ये अभी तक हम लोगों को पता चला है, फाइनली जब लॉन्च होगा तब आपको एक फ़ाइनल जो नेम है वो आपको मिलेगा, क्योंकि बजाज का रहा है एंड टाइम पे नेम वगैरह वो एकदम चेंज कर देते हैं, तो उस समय आपको जो फाइनल नेम वो पता चलेगा। और अगर जो नोटिसेबल अगर मैं आपको बताऊँ इसके अंदर जो फीचर्स होने वाले हैं वो ऑल LED सेटअप आपको मिलने वाला है, उसके साथ में आपको ये स्प्लिट सीट मिलने वाली है, यू नो, और डिजिटल आपको इसके अंदर कंसोल मिल जाएगा, उसके साथ में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में ही काफ़ी अच्छी आपको टेलीस्कोपिक फोक मिल जाएंगे आपको फ्रंट में, और मोनोशॉक जो है आपको पीछे मिल जाएगा, और स्विंग आर्म भी काफ़ी एक अपग्रेडेड स्विंग आर्म लग रहा है पुरानी वाली 220F से। और अगर मैं इसकी पावर और टॉर्क की बात करूँगा तो जी ये सारा जो है वो लीक्ड और एक्सपेक्टेड है। ऑब्वियसली इसके अंदर आपको डुअल चैनल AB से मिल जाएगा, बट जो पावर वगैरह है आपको 24 BHP का पावर मिल जाएगा, 20 Nm ऑफ पीक टॉर्क मिल जाएगा, और 6 स्पीड का इसके अंदर गियर बॉक्स रहेगा, और स्लीपर क्लच वगैरह भी मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें गाइस थोड़ा सा लीक्ड हुए हैं, तो ये कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, तो जितना मुझे पता चला है साइट वगैरह से वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर प्राइस वगैरह की जो हम लोग बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 1.6 लाख के आसपास में एक शोरूम से स्टार्ट हो जाएगा, तो 180 के आसपास में आपको ये मेरे ख्याल से मिल जाएगी, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये डोमिनार जो 200 है उसके ऊपर प्लेस की जाएगी। 250cc का इंजन है और ये काफ़ी फेमस जो है बाइक 220F उसका ही कंटिन्यूशन होने वाला है, या फिर डोमिनार के अंडर भी प्लेस कर सकते हैं, बट उसका जो चांसेस है वो लाइकली कम है। तो अभी तक लेकर यही सारे लीक्स वगैरह बाहर आए हुए हैं। आपको ये बाइक कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन का भी बटन दबा दो, तो आपको फ्यूचर में जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको वैसे मिल जाएंगे। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, एंड एज आई डोंट लिव राइड ऑफ लाइफ गाइज, बाय बाय।